बेलीपार और बांसगांव थाने की पुलिस टीम द्वारा बेलीपार थाना क्षेत्र के गैंगस्टर में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एसपी साउथ विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बेलीपार थाना क्षेत्र के गैंगस्टर में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को बेलीपार और बांसगांव थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। एसपी साउथ विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में लगातार गुंडा गैंगस्टर और थाने के हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों के हिस्ट्री शीटरों की निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, थाना बेलीपार के मुकदमे में दो गैंगस्टर के अवैध वांछित थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें रिमांड है तो न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, लगातार गुंडा गैंगस्टर के जो उसमें वांछित अभियुक्त है उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, सर थाने के जो एचएस हैं उनके खिलाफ किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है? थाने के एचएस जो हैं, अगर वो सक्रिय हैं उनकी निगरानी की जाती है और निगरानी करने के बाद उनकी स्थिति जो होती है वो पता किया जाता है। इससे प्रत्येक एचएस की निगरानी करने का अभी सबको टारगेट दिया गया है और माह में दो बार कम से कम ये निगरानी दिन और रात में होनी चाहिए। सभी एसओ इंस्पेक्टर को बताया गया है और इस पर कार्रवाई कराई जा रही है।